सो हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल माई अक्षदा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जिसके अंदर हम माइटोसिस पूरी तरह से डिस्कस कर रहे होंगे और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको सिर्फ प्रोसेस और फेजेस समझने की जरूरत है बाकी सब कुछ बहुत ईजिली हो जाएगा इस चैप्टर से आप इजिली सारे क्वेश्चन निकाल लोगे ठीक तो है तो शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिविजन तो सबसे पहले समझते हैं ये सेल साइकिल होती कैसे और सेल डिवीजन होता कैसे है ठीक है आपने देखा होगा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में वो सारे सिंगल सेल से बने हुए हैं एक सेल डिवाइड होता है गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल दो चार को चार आठ को आठ सोलह को सोलह बत्तीस को तो इस तरीके से सेल्स टिश्यू बनाते हैं टिश्यू और डिवाइड होकर ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन और डिवाइड होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फाइनली एक ऑर्गेनिज्म खड़ा हो जाता है तो फ्रॉम अ सिंगल सेल अ वोल ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ अ लिविंग सेल क्या है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये कंटिन्यूसली ग्रोथ करते जाते करते जाते और एक स्टेज के बाद जब उनकी ग्रोथ पूरी तरीके से हो जाती है वो डिवाइड हो जाते हैं गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स तो और नए सेल्स को वो अराइज कर देते हैं बाय रिप्रोडक्शन सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इन डीड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल डिविजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑब्वियसली बिकॉज अगर सेल डिवाइड होगा ही नहीं तो नए सेल अराइज हो गए ही नहीं तो इसलिए सेल डिविजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिस टाइम पर डीएनए रेप्लीकेशन हो रहा होता है उस टाइम पर भी सेल की ग्रोथ कंटिन्यूअसली हो रही होती है रुकती नहीं है कंटिन्यूअसली सेल ग्रोथ होते रहता है अनटिल एंड अनलेस सेल डिवाइड होना चालू नहीं हो जाता वो डिवाइड नहीं हो जाते दो सेल्स के अंदर सो सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस नाउ लेट्स डिस्कस की सेल साइकिल में क्या क्या इवेंट्स आते हैं और कैसे होता है तो रफली अगर देखे तो सेल साइकिल में सबसे पहले आता है सेल ग्रोथ जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है उसके बाद आता है डीएनए रेप्लीकेशन डीएनए रेप्लीकेशन को हम रफली यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि एग्जेक्टली exactly होता क्या है सो डीएनए रेप्लीकेशन दैट इज डीएनए ड्यूप्लीकेशन मतलब एग्जैक्ट कॉपी जैसे आप लोग मेरे नोट्स के प्रिंट आउट निकालते हो दैट इज नथिंग बट अ रेप्लीकेशन आप एग्जैक्ट कॉपी निकालते हो ठीक है तो दैट इज नथिंग बट अ रेप्लीकेशन तो यहाँ पर एग्जैक्ट कॉपी को हम क्या बोलते हैं रेप्लीकेशन बोलते हैं अब समझ लो ये सेल है और ये जेनेटिक मटेरियल है तो हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस होती है जो भी प्रोटीन्स बनते हैं वो सारे इस जेनेटिक मटेरियल का ऑर्डर मानते हैं विथआउट डीएनए अ सेल कैन नॉट सर्वाइव अब जब सेल डिवीजन होता है तब दो डॉटर सेल अराइज होते हैं तो यहाँ पर दोनों डॉटर सेल्स के अंदर एग्जैक्ट कॉपी लगेगी ऑफ जेनेटिक मटेरियल सेम विच इज प्रेजेंट इन पेरेंट्रल सेल एज इट इज वही सेम डॉटर सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होगी सो दिस वॉज अबाउट डीएनएर एप्लीकेशन और फिर फाइनल होता है सेल डिविजन जिसके अंदर फाइनली पेरेंट्रल सेल डिवाइड होता है इन टू टू डॉटर सेल ठीक है ये सारी प्रोसेस जो एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होती है एक में ही पूरे जेनेटिक मटेरियल चले गए तो एक में कुछ भी नहीं रहेगा और वो सेल मर जाएगा सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे ताकि करेक्ट डिवीजन हो और जो आने वाली प्रोजेनी है यानी आने वाली जो जनरेशन है उसमें इंटैक्ट जीनोम जाए यानी सेम जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन पेरेंट्रल सेल दैट नीड टू बी ट्रांसफर इन द डॉटर सेल्स एज वेल एज इट इज सेम सो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच अ सेल इट्स जिनोम मतलब ये ऐसा सिक्वेंशियल प्रोसेस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ड्यूप्लीकेट होता है अलोंग विद द सिंथेसिस ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल मतलब उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिल्स वगैरह लगते हैं सेल के अंदर जैसे प्रोटीन्स हो गया ऑर्गेनल्स हो गया उनके सिंथेसिस के साथ साथ डिवाइड होता है एंड फाइनली डिवाइडिंग इट इनटू द टू डॉटर सेल्स और फाइनली फिर ये सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है उसके साथ साथ दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स जैसे कि प्रोटीन ऑर्गेनल्स अकॉर्डिंग टू तो द सेल जो भी जरूरत है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी सेल को जरूरत है उसके हिसाब से यहाँ पर अदर कंस्टिट्यूएंस सिंथेसिस होते हैं और फाइनली डिवाइडिंग इट इंटू द टू डॉटर सेल्स और फाइनली यहां पर सेल डिविजन होता है विच गिव राइज टू द टू डॉटर सेल्स तो सो ऑल दोल ग्रोथ इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लास्मिक इंक्रीज मतलब यहां पर सेल ग्रोथ ऐसी processes जिसके अंदर कंटिन्यूअसली साइटोप्लाज्म इंक्रीज होते जाता है कंटिन्यूसली ग्रोथ यहां पर होती जाती है एंड ऑल द इवेंट ऑफ द सेल साइकिल आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल और जितने भी यहाँ पर सेल साइकिल uh, हो रहे हैं ये जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में है नाउ द फेजिस ऑफ सेल साइकिल ज अ टिपिकल यूकेरियोटिक सेल सो जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन सेल कैसा सेल है दैट डिवाइड्स इन एवरी 24 फोर आवर्स अप्रोक्सीमेटली तो ये एक ऐसा सेल है जो कि 24 फोर आवर्स के अंदर डिवाइड होता है जो इसकी सेल साइकिल का टाइमिंग है वो 24 फोर आवर्स है तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि ड्यूरेशन ऑफ सेल डिविजन इन ह्यूमन सेल कितना होता है तो याद रखना ट्वेंटी फोर आवर्स अप्रोक्सीमेटली ड्यूरेशन ऑफ सेल डिविजन में वेरी फ्रॉम सेल टू सेल एंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म फॉर एक्जाम्पल येक्स नाइन्टी मिनट्स टू डिवाइड जैसे कि ह्यूमन सेल ट्वेंटी फोर आवर्स लेता है टू कम्प्लीट इट्स साइकिल एंड डिवाइड इट टू टू सेल्स वैसे ही यीस्ट सिर्फ 90 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है और इसका सेल डिविजन कम्पलीट हो जाता है नाइन्टी मिनट्स के अंदर इसीलिए अगर आप रात में दूध रख लेते हो सुबह तक आराम से पूरा दही जम जाता है क्यों क्योंकि यहाँ पर यस्ट का जो सेल डिवीजन का ड्यूरेशन है वो बहुत कम है सिर्फ 90 मिनट्स है मतलब हर 90 मिनट्स में हर पेरेंट्रल सेल विल गिव राइज टू टू डॉटर सेल वो दो जो है वो दूसरे 90 मिनट्स में चार को देगी चार आठ को देगी आठ अगले नाइन्टी मिनट्स में सोलह को देगी तो ये पूरी सेल प्रोसेस नाइन्टी मिनट्स की है और ये सुबह तक आसानी से इसीलिए दही जम जाता है द सेल साइकिल इज डिवाइडेड टू बेसिक फेजेस दैट इज द इंटर फेस और रेस्टिंग फेज एंड अनादर वन इज एम फेज और माइटोसिस फेज लेट स्टार्ट विद इंटरफेसिंग फेज सो इट इज अ फेज बिटवीन टू माइटोटिक फेज ये दो माइटोटिक फेज के बीच का फेज है दैट इज द रेस्टिंग फेज इट टेक्स मोर देन नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ टाइम ऑफ सेल साइकिल मतलब इंटरफेज और रेस्टिंग फेज ऐसा फेज है जो कि 95% टाइम लेता है पूरे सेल साइकिल के अंदर और बचा कुचा पांच परसेंट है उसके अंदर सिर्फ सेल डिवीजन होता है माइटोटिक एक्टिविटी माइटोटिक फेज होता है सिर्फ पांच परसेंट में बाकी नाइन्टी फाइव परसेंट जो होता है वो सिर्फ रेस्टिंग फेज या फिर इंटर फेज ही होता है ऑल दो टर्म्ड एज रेस्टिंग फेज बट द सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर द सेल डिविजन जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये रेस्टिंग फेज है लेकिन यहां पर सेल खुद को तैयार कर रहा होता है प्रिपेयर कर रहा होता है ताकि वो सेल डिविजन के लिए रेडी हो जाए द नेक्स्ट है एम फेज और अ माइटोटिक फेज ये एक एक्चुअल फेज है जहां पर सेल डिवीजन होता है ये स्टार्ट होता है विद अ न्यूक्लियर डिवीजन जिसके अंदर डॉटर डॉमोजो सेपरेट होते हैं खत्म होता है विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस यहां पर ये हार्डली 5% टाइम लेता है ऑफ सेल साइकिल एज वी डिस्कस अ टिपिकल ह्यूमन सेल जिसके अंदर 95% रेस्टिंग फेज या फिर इंटरफेज हो रहा है और 5% उसमें से सिर्फ फाइव परसेंट माइटोसिस फेज हो रहा है मतलब ट्वेंटी फोर आवर्स अप्रोक्सीमेटली पूरे सेल साइकिल को लग रही है उसमें से सिर्फ एक घंटा सेल डिविजन को लगेगा बाकी पूरा टाइम वो रेस्टिंग फेज में रहेगा इंटर फेज में रहेगा सिर्फ एक घंटा ही उसको सेल डिविजन के लिए लग रहा है जहां पर वो दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा एक घंटे के अंदर अंदर कैरियोकाइनेसिस जहां से माइटोसिस फेस चालू होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है दैट इज द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम्स और साइटोकाइनेसिस जहाँ पर माइटोसिस फेस खत्म होता है जिसके अंदर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाजम होता है नाउ द स्टेजेस ऑफ इंटर फेज और रेस्टिंग फेस ये बेसिकली डिवाइडेड है इन टू जीवन फेज एस फेज और अंथेसिस फेज एंड जी टू फेज के अंदर इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं स्टार्टिंग विद द जीवन फेज सो इट इज अ इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिसिएशन ऑफ डीएनएर रेप्लीकेशन एज यू कैन सी जीवन फेस जो है वो माइटोसिस और एस फेज के बीच में है। एस क्या है यहाँ पर सिंथेसिस फेज जिसके अंदर डीएनए रेप्लीकेशन होता है तो जीवन फेज माइटोसिस और डीएनए रेप्लीकेशन के बीच का फेज है। हैली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लीकेट इट्स डीएनए तो जीवन फेज में यहाँ पर ये कंटिन्यूअसली ग्रो होता है ये एक्टिव होता है मेटाबोलिकली लेकिन ये डिवाइड नहीं होता है ना ये रेप्लीकेट होता है ठीक है इसके अंदर सिर्फ इसकी सेल ग्रोथ होती है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल ग्रोथ होता है जीवन फेज के अंदर और ये मेटाबोलिकली एक्टिव होता है ना उसके बाद आता है एस फेज और सिंथेसिस फेज नाम से ही समझ में आ रहा है सिंथेसिस फेज जिसके अंदर डीएनए सिंथेसिस होगा दैट इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स बाय डीएनए रेप्लीकेशन एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि यहां पर डीएनए सिंथेसिस होगा बाय डीएनए रेप्लीकेशन और यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो पर सेल डबल होते जाएगा अब इस डबल को कैसे समझे हम फॉर एग्जाम्पल टू सी बिकम्स फोर सी यहाँ पर टू सी जो है वो डबल होकर फोर सी बन रहा है बट देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर अब यहाँ पर बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है वेन आई वॉज किड आई वॉज स्टिंग मुझे भी बड़ा कन्फ्यूज होता था कि टू सी फोर सी हो रहा है लेकिन क्रोमोजोम नंबर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है तो यहां पर हम एक चॉकलेट का एग्जाम्पल लेके समझते हैं टू सी यानी यहाँ पर दो डेर मिल्क दस रुपए वाली चॉकलेट हम कंसीडर कर रहे हैं जिसकी सेम लेंथ है और सेम साइज है ठीक है दोनों भी सी की मतलब ये पहला वाला सी मतलब पहले वाला डेरी मिल्क चॉकलेट और दूसरा वाला डेरी मिल्क चॉकलेट यहाँ पर दस रुपए वाली ली है हमने और जिसकी लेंथ और साइज सब कुछ सेम है यहां पर लेंथ हम कंसीडर करते हैं क्रोमोजोम नंबर को ठीक है तो मतलब दो दस रुपए वाली डेरी मिल्क चॉकलेट ली तो ऐसा तो होता नहीं है कि आपने दस रुपए वाली डेरी मिल्क चॉकलेट मांगी तो एक की साइज आपको बड़ी मिली बड़ी वाली चॉकलेट मिली और दूसरे वाले चॉकलेट की साइज छोटी मिली तो ऐसा तो नहीं होता है सबकी सेम साइज होती है टेन रुपीज वाली जो भी चॉकलेट होती है डेरी मिल्क की तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अमाउंट ऑफ डी पर सेल डबल हो जाता है यानी कि यहाँ पर हम चॉकलेट को कंसिडर करते हुए बोल रहे हैं कि यहाँ पर टू सी यानी दो डेरी मिल्क की चॉकलेट यहाँ पर डबल हो गई फोर सी हो गई तो हमने जब दो चॉकलेट को डबल किया फोर सी बनाया चार चॉकलेट बनाई दो चॉकलेट की तो यहां पर जो लेंथ पहले थी वही लेंथ बाद में भी थी यानी जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पहले थे वही नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स बाद में भी रहेगी क्योंकि हमने इसको एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया एग्जैक्ट सेम कॉपी बनाई हमने इसकी तो यहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे सिर्फ अमाउंट ऑफ चॉकलेट जो है वो बढ़ जाएगी दो चॉकलेट की जगह चार चॉकलेट बन जाएगी तो यहां पर यही बोला गया है कि अमाउंट ऑफ डी एन ए पर्सल डबल होता है लेकिन यहाँ पर कोई भी क्रोमोजोम नंबर में इंक्रीज नहीं होता है ठीक है आई होप आपको इस चॉकलेट वाले एग्जाम्पल से समझ में आया होगा ठीक है अगर टू एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट जीवन फेज है ठीक है अगर हम यहाँ पर टू एन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम कंसिडर करते हैं लेंथ ऑफ चॉकलेट को जो कि टू सी जब थे तब है तो यहाँ पर सिंथेसिस फेज के बाद जब डबल हो गए हैं ये डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है डबल हो गए हैं उसके बाद भी जो लेंथ रहेगी वो टू एन ही दैट विल नॉट चेंज देन जी टू फेज जी टू फेज ऐसा फेज है जिसके बाद फाइनली माइटोसिस फेज चालू होगी सेल का प्रॉपर डिविजन होना चालू होगा ठीक है तो इसीलिए यहाँ पर जी टू फेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अब बचा कुचा जो भी काम है वो ये करे सेल को पूरी तरीके से रेडी करे ताकि वो दो डॉटर सेल्स को अराइज करे ठीक है तो यहां पर क्या चीजें ये करता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है फॉर माइटोसिस तो माइटोसिस के लिए जो भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट लगती है वो जी टू फेज में तैयार होता है और यहाँ पर कंटिन्यूसली सेल ग्रोथ होता है ताकि ये फाइनली दो डॉटर सेल्स को अराइज कर सके तो जी टू फेज में एक्जैक्टली exactly होता क्या है यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है फॉर माइटोसिस और दूसरा सेल ग्रोथ कंटिन्यूअसली होता है नाउ द अनादर स्टेज इज जी नॉट स्टेज और क्विसेंट स्टेज तो यहां पर होता क्या एग्जैक्टली हम ये चीज ये वाले डायग्राम से समझते हैं बेसिकली हमारे बॉडी में सेल्स तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है लेबाइल सेल्स स्टेबल सेल्स एंड परमानेंट सेल्स लेबाइल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली सेल डिविजन में पार्ट लेते हैं कंटिन्यूसली सेल साइकिल के अंदर ही रहते हैं फ्रॉम वन माइटोसिस टू द नेक्स्ट ठीक है ये हमारे बॉडी सेल्स हैं जो कि कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ फॉर एग्जाम्पल स्किन लेर दैट इज दर एलिमेंट्री ट्रैक्ट रेस्परेटरी ट्रैक्ट यूरिनरी ट्रैक्ट स्पलिन तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई होते हैं थ्रू आउट देअर लाइफ जो कि कंटिन्यूअसली सेल साइकिल में पार्ट लेते हैं फिर दूसरे टाइप के सेल आते हैं स्टेबल सेल्स जो कि जीनोट फेस से होते हुए आते हैं ये ऐसे सेल्स हैं हु लूज देयर एबिलिटी टू प्रोलीफरेट आफ्टर एडोलोसेंस फॉर एग्जाम्पल लिवर किडनी अगर लिवर किडनी या कोई और ऑर्गन के अंदर उसके सेल में डैमेज हो जाता है तो ये सेल्स तभी एक्टिव हो गए जब यहाँ पर डैमेज होगा उसके अलावा ये नहीं होगे अदरवाइज वो हमेशा जी नॉट फेस से ही होते हुए आएंगे अगर वहां पर डैमेज है उसके बाद वो एक्टिव हो जाएंगे और वो माइटोसिस के अंदर पार्टिसिपेट लेगे अदरवाइज दे विल नॉट अगर वहां पर सब कुछ सही है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एंड फाइनली आते हैं परमानेंट सेल्स ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बर्थ के बाद से ही प्रोलिफरेट होने की एबिलिटी खो देते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्रेन सेल्स हार्ट सेल्स स्केलेटल मसल सेल्स तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अपनी एबिलिटी खो देते हैं बाई बर्थ टू प्रोलिफरेट अगर ये सेल्स मर गए तो गए इट विल अंडर गो सेल डेथ ठीक है लेकिन एनसीआरटी में स्टेबल सेल्स और परमानेंट सेल्स एक ही स्टेज में बताया दैट इज द जीनोट स्टेज और अ स्टेज जिसके अंदर बताया गया कि मैनी सेल्स इन अवर बॉडी डू नॉट अपियर टू एक्सिबिट कि परमानेंट सेल्स है ठीक है जो कि डिविजन नहीं करते एक बार के मर गए गए वो विल अंडर गो सेल डेथ फॉर एग्जाम्पल एंड हार्ट सेल्स और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि ओकेशनली ही पार्टिसिपेट करते हैं तभी करते हैं जब इसकी जरूरत होती है इन केस ऑफ इंजरी और सेल डेथ दीज सेल्स आर सेट टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड एस जीनोट और अक्विशन स्टेज इंस्टेड ऑफ जीवन फेस ऐसे सेल्स है जो कि जी नोट के अंदर रेस्ट करते हैं एनिमल सेल्स के अंदर माइटोसिसप्लॉइड सोमैटिक सेल्स के अंदर ही ऑब्जर्व किया जाता है वाइल्ड इन प्लांट सेल्स माइटोसिस जो है डिप्लॉयड और हैप्लॉइड सेल्स दोनों के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है सो फाइनली चालू कर दें हमारा मेन टॉपिक ऑफ सेल साइकिल दट इज द माइटोसिस फेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिविजन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम जितने पेरेंट्स में रहेंगे उतने ही डॉटर सेल्स में भी रहेंगे बेसिकली माइटोसिस के अंदर सेल डिवीजन ही होता है विच इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस इट इज डिवाइडेड इनटू फोर स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है रेप्लीकेट होता है और डिवाइड होता है इंटू टू डॉटर सेल्स इट इंक्लूड्स प्रोफेस मेटाफेस एनाफेज एंड टेलोफेस स्टार्टिंग विद द विदेस बट बिफोर प्रोफेस लेट्स डिस्कस दीज टर्मिनोलॉजीज पहला है क्रोमैटिक्स क्रोमैटिक्स क्या होते हैं दीज आर टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि जुड़कर एक क्रोमोजोम बनाते हैं मतलब दो क्रोमैटिट्स मिलकर एक क्रोमोजोम बनाते हैं ठीक है देन क्रोमैटिन क्रोमैटिन इज अ नेटवर्क जिसके अंदर क्रोमोजोम्स का कंडेंसेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये शॉर्ट और थिक हो जाते हैं और ऐसे दिखाई देते हैं एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो ठीक है दिस इज नोन एज क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमैटिन देन सेंट्रोसोम समझते हैं पहले तो सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि न्यूक्लियस के पास दिखाई देता है ठीक है जो कि डिवाइड होता है इंटू टू सेंट्रियोल्स और वहां से स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं डेवलप होते हैं ठीक है देन सो एज डिस्कस्ड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रोजोम इंटू टू पार्ट्स इज नोन एज सेंट्रियोल और ये सेंट्रियोल क्या करते हैं स्पिंडल फाइबर्स को अराइज करते हैं फ्रॉम इट्स देन क्रोमोजोम आर नथिंग बट अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरीज अ जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं देन सेंट्रोमेयर सो इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम विच हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ टू क्रोमैटिक्स ये दो सिस्टर क्रोमैटिक्स को अटैच करने में हेल्प करता है कौन सेंट्रोमेयर देन स्पिंडल फाइबर तो स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल से अराइज होती है सेंट्रियोल uh, से डेवलप होती है उसे हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं यू कैन सी इन दिस डाइग्राम एंड देन सेंट्रोजोम सेंट्रोजोम तो हो गया ये डिस्कस ठीक है सो ये मेरा टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने का यही रीजन था कि बाद में आपको कंफ्यूजन uh, ना हो जब मैं समझाऊ अभी आगे क्योंकि यही सारे टर्म्स का यूज होगा तो अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि किसको क्या बोलते हैं बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट फाइनली चालू करते हैं प्रोसेस बहुत ईजी है ये मेरा इतना लिखने का रीजन बस यही है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ बाकी आपको जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने डायग्राम के नीचे ही हाईलाइट करके लिख जब आप क्विक रिविजन भी करोगे सिर्फ यही पॉइंट्स भी पढ़ोगे तो भी चलेगा और मैंने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाने की कोशिश की ताकि आपको हर एक स्टेप हर एक प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आए प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस जो कि G2 टू फेज के बाद चालू होता है बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले कंडेंसेशन होगा ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पे क्रोमोजोमल मटेरियल अन होगा जिसकी वजह से ये शॉर्ट एंड थिक हो जाएंगे ड्यूरिंग क्रोमैटिन कंडेंसेशन ठीक है अब सेंट्रियोल्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल अब सेंट्रियोल्स कहां से फॉर्म हुए सेंट्रो सेंट्रोसोम से फॉर्म हुए एज यू कैन सी यहां पर सेंट्रोसोम मूव होना चालू हो रहा है डिवाइड होगा दो पार्ट्स में जो कि सेंट्रियोल को अराइज करेगी अब सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं आर सीन टू टू बी ऑफ क्रोमेटिड्स अटैच टूगेदर बाय द सेंट्रोमेयर यहाँ पर हमने सेंट्रोमेयर को भी डिस्कस किया कि सेंट्रोमेयर इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम जो कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को अटैच करने में मदद करता है ठीक है सो क्रोमोजोम्स आर सीन टू बी कम्पोज ऑफ टू क्रोमैटिक्स क्रोमोजोम दो क्रोमैटिक्स से मिलकर बना हुआ है जो की अटैच है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोटिब्यूल्स प्रोटीनाइशियस कंपोनेंट्स तो यहां पर क्या होगा बेसिकली जब सेंट्रियल्स मूव करेंगे अपोजिट पोल की तरफ तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर माइक्रोटिब्यूल्स प्रोटीनाइशियस कंपोनेंट ये आपस में अराइज होना चालू कर देंगे अटैच होना चालू कर देंगे ठीक है एंड एट द एंड आखिरी स्टेज में क्या होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवेप ये कंप्लीटली डिसअपियर होना चालू हो जाएगी एक बार फिर से देख लेते हैं डायग्राम अच्छे से सो दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर क्रोमैटीन प्रेजेंट है ठीक है और ये न्यूक्लियोलस है देन इट इट इज द अर्ली प्रोफेस देन प्रोफेस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जो कि डिवाइड uh, हो जाता है इनटू द टू पार्ट्स और गिविंग राइज टू द देंट्रियोल जहां से स्पिंडल फाइबर अराइज होता है जो कि अपोजिट पोल में जाकर स्पिंडल फाइबर्स को अराइज करता है यहाँ पर धीरे धीरे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चालू हो जाता है इन प्रोफेस दिस इज सेंट्रोमेयर अब सेंट्रोमेयर का, का काम करता है ये दो सिस्टर क्रोमैटेट को ज्वाइन करने में मदद करता है ठीक है दो सिस्टर क्रोमैटेट मिलकर एक क्रोमोजोम बनाती है ठीक है लेट प्रोफेस जिसके अंदर सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ पहुंचने लगते हैं जहां से स्पिंडल फाइबर्स अराइज हो गए ठीक है तो अर्ली प्रोफेस में क्या होता है सबसे पहले क्रोमेटिन का कंडेन्सेशन होता है जिसकी वजह से शॉर्ट एंड थिक हो जाते हैं टू फॉर्म द क्रोमोजोम अब प्रोफेस के अंदर क्या होगा कि हर एक क्रोमोसोम जो है वो दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बने हुए जो कि अटैच है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर यहाँ पर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चालू हो जाते हैं लेट प्रोफेस में क्या होता है कि सेंट्रोजोम जो कि पेयर ऑफ सेंट्रियोल है वो मूव करेगी टुवर्ड्स द अपोजिट पोल फॉर्मिंग अ स्पिंडल बिटवीन दैम यहाँ पर भी डिसअपियर होने लगते हैं कंप्लीटली नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रोफेस नाउ नेक्स्ट स्टेज इज मेटाफे मेटा मतलब मिडिल और फेज मतलब स्टेज ये एक ऐसा फेज है जो कि मिडिल में आता है ठीक है यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियलस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं मेटाफेज के अंदर यहाँ पर इनका नामो निशान नहीं होता है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियलस मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज मोस्ट ईजिली स्टडीड ये ऐसी स्टेज है जहां पर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम बहुत आसानी से स्टडी किया जा, जा सकता है अंडर द माइक्रोस्कोप यहाँ पर टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच टू ईच अदर बाय सेंट्रोमेयर ये चीज आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए सेंट्रोमेयर क्या है सेंट्रोजोम क्या है सेंट्रियल क्या है ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि हमने इतनी बार डिस्कस किया सेंट्रोमेयर क्या है कि यहाँ पर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर

ऑरेंज वन विच इज प्रेजेंट ऑन विच इज अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो की सर्फेस पे प्रेजेंट ऑफ द सेंट्रोमर इज कॉल्ड एस काटो कोर अब यहां पर काइनेटो कोर का फंक्शन क्या है दीज स्ट्रक्चर सर्व एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिडल फाइबर टू द क्रोमोजोम ये काइनेटो कोर ये साइट ऑफ अटैचमेंट है टू द स्पिडल फाइबर यहां से एज यू कैन सी ये येलो जो निकल रहा है ये स्पिंडल फाइबर है जो कि अटैच होता है टू द काइनेटो कोर ट आर मूवड इन टू पोजिशन एट द सेंटर ऑफ द सेल जो की क्रोमोजोम को सेंटर में लाते हैं ठीक है ऑफ द सेल द क्रोमोजोम गेट्स अरेज अलॉन्ग द इक्वेटर ऑफ द स्पिडल विथ ईच क्रोमैटेड कनेक्टेड बाईट कानेटोकोर तो एक बार का जब यहां पर स्पिडल फाइबर अटैच हो जाता है टू द कानेटोकोर विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ देंट्रोमेयर विच इज अ डिस्क शेप्ड तो यहां पर एज यू गेंस इन दिस डायग्राम ये इक्वेटर एक एक पे अरेन्ज हो जाते हैं ऑफ द सेल ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर एंड कैनेटो कोर द गेट अरेजड ओवर द इक्वेटर ऑफ द सेल द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोजोम्स एट मेटाफेज इज नोन एज मेटाफेज प्लेट मतलब जब ये सारे क्रोमोजोम इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे एक प्लेन में अलाइन हो जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे मेटाफेज प्लेट बोलेंगे तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या याद रखने हैं आपको कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस कम्पलीटली डिसअपियर हो जाता है और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि स्पिंडल फाइबर यहाँ पर अटैच होता है टू द कानेटो कोर ऑफ द क्रोमोजोम फ्रॉम द अपोजिट पोल्स एंड क्रोमोजोम आर मूवड टू द स्पिडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलॉन्ग द मेटाफेस प्लेट थ्रू स्पिडल फाइबर टू बोथ द पोल्स तो यहां पर क्या होगा सबसे पहले कि न्यूक्लियर मेमरेर और न्यूक्लियस कंप्लीटली डिस्पियर हो जाएगा इन मेटाफेज दूसरा पॉइंट कि स्पिंडल फाइबर यहां पर अटैच होता है टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोजोम और इनके अटैचमेंट की वजह से ये स्पिंडल इक्वेटर पर अलाइन हो जाएंगे एंड दैट इज नोन एज द मेटाफेज प्लेट टू द स्पिंडल फाइबर द नेक्स्ट इज एनाफेज एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज जिसके अंदर द सेंट्रोमेयर ब्रेक्स यहाँ पर जो सेंट्रोमेयर है जिसकी मदद से दोनों सिस्टरक्रोमेटिक्स अटैच हो रहे थे ये सेंट्रोमेयर ब्रेक हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट सिस्टर क्रोमेटिक्स गेट सेपरेटेड और यहाँ पर क्या होता है जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिक्स सेपरेट होना चालू हो जाते हैं एक दूसरे से एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम स्पिंडल फाइबर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी वजह से ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिक्स को एक दूसरे से दूर खींचते हैं दैट इज द डॉटर क्रोजोजोम्स गेट पुल्ड और मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स यहाँ पर स्पिडल फाइबर कॉन्ट्रेक्ट होते है जिसकी वजह से यहाँ पर डॉटर क्रोमोजोम या सेपरेटेड क्रोमैटिट्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं अपोजिट पोल की तरफ सो दिस वॉज ऑल अबाउट दनाफेज में दो तीन पॉइंट है कि ये शॉर्टेस्ट फेज है यहाँ पर सेंट्रोमेर ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमैटेट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं उसके साथ साथ स्पिंडल फाइबर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से ये दोनों सिस्टर क्रोमैटेट को एक दूसरे से दूर लेके जाता है अपोजिट पोल की तरफ लेके जाता है ठीक so so है नाउ द लास्ट फेज इज टेलो फेज सो दिस इज द फाइनल स्टेज जिसके अंदर डॉटर क्रोमोजोम सेट ऑफ क्रोमोजोमल डॉटर क्रोमोजोम्स अपोजिट पोल पर पहुंच चुकी है जिसके अंदर दोनों भी सिमिलर सेट ऑफ क्रोमोजोम्स कंटेन करते हैं क्रोमोजोम्स अंडर गो अनकोइलिंग टू फॉर्म लॉन्ग थे क्रोमेटिन नेटवर्क और मटेरियल एट टू पोल्स अब पहले ये क्या हुआ था क्रोमोजोम्स कंडेंसेशन के अंडर में गए थे जिसकी वजह से ये शॉर्ट एंड थिक हो गए थे बट इन टेलोफेस दिस क्रोमोजोम विल अंडर गो टू फॉर्म अ लॉन्ग थिन क्रोमैटिन मटेरियल और अ नेटवर्क दोनों भी पोल्स पर ठीक है देयर आइडेंटिटीज लॉस्ट एज अ डायरेक्ट एलिमेंट्स अब ड्यू टू अनकॉइलिंग इनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो चुकी है ऑफ अ डायरेक्ट एलिमेंट न्यूक्लियर एनवेलप असैम्बल्स अराउंड द क्रोमोजोम क्लस्टर सो एज यू कैन सीन द डायग्राम यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप भी फिर से रीअपियर होना चालू हो रहा है न्यूक्लियर गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से रीअपियर होना चालू हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ टिलोफेस तो so, टीलोफेज के अंदर क्या क्या होता है इट इज अ फाइनल स्टेज जिसके अंदर डॉटर क्रमोजोम अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं जिनके पास सिमिलर सेट ऑफ क्रमोजोम प्रेजेंट है दिस क्रोमोजोम विल अंडर गो अनकॉलिंग जिसकी वजह से ये लॉन्ग थिन क्रोमेटिक नेटवर्क फॉर्म करेगी जिसकी वजह से ये अपनी आइडेंटिटी खो खोदेगी ऑफ अ डायरेक्ट एलिमेंट यहाँ पर बाय द एंड ऑफ टिलोफेज न्यूक्लियर एनवेलप और बाकी के जो भी ऑर्गेनल्स हैं न्यूक्लियल गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रीअपियर होना चालू हो जाएगा मतलब बाय द एंड ऑफ टीलोफेस कंप्लीट न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो है साइटोकाइनेसिस जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा और कंप्लीट न्यू डॉटर सेल्स अराइज हो जाएंगे फ्रॉम द पेरेंटल सेल तो द साइटोकाइनेसिस इज द प्रोसेस इन विच सेल इट्स सेल्फ डिवाइडेड इंटू टू डॉटर सेल्स बाय सेपरेट प्रोसेस डिविजन ऑफ टेक्स प्लेस आफ्टर द साइटोप्लाज्मीजन ऑफ न्यूक्लियस सो एज वी सॉ कि सबसे पहले न्यूक्लियर डिविजन हुआ इन द टीलोफेस फाइनली और उसके बाद फिर साइटोप्लाज्मिक डिविजन यहां पर इन साइटोकाइनेसिस होगा सो इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फ्यूरो वाइल इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस मतलब कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन विच इज नॉट फॉलोड बाय दी साइटोकाइनेसिस मतलब कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन मतलब यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय दी बाई साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जिसकी वजह से यहां पर कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर डिवीजन होते जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा एज अ रिजल्ट ऑफ इट मल्टी न्यूक्लेटेड कंडीशन विल अराइज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंकाटिज्म मतलब यहां पर मल्टी न्यूक्लेटेड कंडीशन हो जाएगी वहां पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा ही नहीं सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन ही होते जाएगा कंटिन्यूअसली जिसकी

कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते जिनके अंदर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पर अराइज हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ऑफ सिंकैटिजम एग्जाम्पल है इसका लिक्विड एंडोस्पम इन कोकोनट सेग्निफिकेन्स ऑफ माइटोसिस विच इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिविजन यहाँ पर माइटोसिस को इक्वेशनल डिविजन क्यों बोला गया क्योंकि जितने सेट्स ऑफ क्रोमोजोम पेरेंट पेरेंट में प्रेजेंट है पेरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है उतने ही डॉटर सेल के अंदर भी प्रेजेंट रहेगे एग्जैक्ट कॉपी रहेगी पेरेंट्स के कुछ भी चेंज नहीं रहेगा इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द माइटोसिस और जो ग्रोथ होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का वो माइटोसिस की वजह से ही होता है अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि ये मैटर करता है माइटोसिस की एक्टिविटी uh, के लिए जैसे कि है जेनेटिक स्टेबिलिटी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाजमिक रेशो रिपेयर एंड ग्रोथ तो जेनेटिक स्टेबिलिटी क्या है जो मैंने अभी अभी समझाई आपको कि ये इक्वेशनल डिविजन इक्वेशनल डिवीजन मतलब कि इट इज यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद द आइडेंटिकल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन फॉर ऑल द सेल्स इन द बॉडी मतलब ये कि जो पेरेंट में रहेगा वही जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसफर हो गे. कुछ भी चेंज नहीं रहेगा आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर ट्रांसफर होते जाएंगे तो हमारे बॉडी में जितने भी बॉडी सेल्स है सोमेटिक सेल्स है वो सारे माइटोटिक डिविजन ही शो करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है ये सारे सेल्स न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो को मेंटेन करके चलते हैं कॉन्स्टेंटली दिस रैशो ऑफ ऑल सेल्स इज मेंटेन कॉन्स्टेंट एंड सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रैशो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म तो ये लाइन क्या बोल रही है कि अगर सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है इन फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म जिसकी वजह से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रैशो है वो ऊपर नीचे हो सकता है एक तो न्यूक्लियस छोटा पड़ जाएगा साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा जिसकी वजह से रैशो पर असर पड़ सकता है इस वजह से यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है कि सेल को डिवाइड कर दिया जाए इंटू द टू डॉटर सेल ताकि वो न्यूक्लियो साइटोप्लाजम के मेंटेन रहे रिस्टोर्ड रहे

आउटर जो स्किन आपको दिखाई दे रही वो skin, uh, है वो कंप्लीटली डेड स्किन डेड सेल से कवर्ड है डेड सेल से प्रोटेक्टेड है और जो नीचे एपिडर्मिस में लेयर प्रेजेंट है वहां पर कंटिन्यूसली प्रोलीफरेशन कंटिन्यूअसली डिविजन हो रहा है सेल का ताकि ये डेड लेयर शेड ऑफ हो सके और न्यू लेयर ऊपर आ सके एंड द लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ इन प्लांट्स मेरिस्टमेटिक टिश्यूज अदर टिश्यूज जहां पर कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती है थ्रू आउट देयर लाइफ द पाइकल एंड द लैटरल कैम्बियम यहाँ पर ये रिजल्ट करता है कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ तो यहाँ पर अपाइकल एंड द लेट्रल कैम्बियम के अंदर कंटीन्यूअस ग्रोथ होते रहेगा थ्रू आउट देयर लाइफ इन द मेस्ट टिश्यूज सो दिस वॉज ऑल अबाउट द माइटोसिस आई होप आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि मैंने अपना बेस्ट देकर पूरे नोट्स ईजी से इजी वे में बनाने की कोशिश की विथ मैक्सिमम डायग्राम्स अगर आपको सच में मेरे नोट्स और मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे तो प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल This will motivate me a lot. <laughs> Thank you so much. Have a great day.